ऐसे कौन गाना बनाता है, लेकिन मैं बनाती हूँ। तो आ जाओ आप सब मुंह मीठा करने के लिए। देखो नवरात्रि का भूत चढ़ा है। नवरात्रि में तो लेके नहीं जाते आप। कोई कोई लोग है ना ऐसे सिर्फ परेशान करने के लिए ही पैदा होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। मैं मार्केट से आई हूँ बस सामान थोड़ा सा लेने के। मेरी नवरात्रि कुछ ऐसी निकल रही है कि और चाय भी नहीं होता, आ जाइए। मैं आज आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, देखो। देखो ये देखो गाइस, आप देख सकते हो 1000 सब्सक्राइब होने के कारण इनको कुछ मीठा चाहिए। मीठा घर पे बनाया है हलवा। कितनी देर से थक गई थी तो मैं ऊपर चढ़ के बैठ गई। ऐसे कौन खाना बनाता है, लेकिन मैं बनाती हूँ। मैं क्या करूँ, खड़े खड़े थक गई हूँ, मेरे पैरों में दर्द है। मैं खड़े खड़े थक गई हूँ। नवरात्रि में तो गए नहीं हम, 3 नवरात्रि में गए, पता नहीं कब जाएंगे। तो आ जाओ आप सब मुंह मीठा करने के लिए। देखो गर्मा गर्म हलवा, लौकी का हलवा बनाया है मैंने। तो आ जाइए आप सब मुंह मीठा करने के लिए। और अब मैं नीचे अनिल है, अनिल नवरात्रि का भूत चढ़ा है। नवरात्रि में तो लेके नहीं जाते आप मुझे। आई बोलो कब लेके गए, आज चले पक्का? कल भी बोला था, परसों भी बोला था। मैं तो बोल रहा हूँ कौन नहीं आता। आप मुझे भी जाने मिलता, आप भी जाने नहीं मिलता। मैंने कब मना बोली है, देख रही हूँ ना, देख रहे हैं ना आप कैसे बोल रहे हैं मुझे। मैं मना नहीं बोलती, वो नहीं चलती। तो चलो टिफिन पैक कर दो इनको, फिर ये सामान दिख रहा है उसको समेत। और फिर क्या 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 सच हमेशा कड़वा होता है। कौन सा सच? मैं आपको जाने नहीं देती तो आज अकेले जाना क्या? तो आप जाना, मैंने आपको कब मना बोला? दिक्कत दे रहा है यार, मैंने आपको कब मना बोला? ना बोलती भी नहीं हो, जाने भी नहीं। अरे कल तो हम साथ में चलने वाले थे, उससे पहले आप ही। चलो मैं टिफिन पैक कर लेती हूँ, लेट हो रहा है। आपको तो लेट नहीं होता कभी भी। अभी देखो इसमें कुछ नहीं बोलेगी, और जैसे वीडियो पूरा होकर बोलेगी मैं कब मना बोलती हूँ, क्यों नहीं जाते? झूठ बोल रहे, मैं ऐसा नहीं करती। झूठ बोल रहे हैं, ऐसा मैं नहीं करती, ऐसा मैं क्यों करूँगी? आप कुछ कुछ बातें ऐसे बोलते हो ना अनिल, सबको ऐसा लगेगा हाँ सच में ऐसा करती होगी। टिफिन पैक कर लूँ और आ जाना, लेट सा हो गया है, सुबह में ना आप ही नहीं पाई। टिफिन पैक करके सारे काम करके रेडी होके फिर आपसे मिलती हूँ मैं। Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head. Something out of my nightmares, spinning right there.
understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. Baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil. Almost mere saare kaam ho gaye hain. Kaam karte karte पता नहीं कब कितना टाइम हो गया पता भी नहीं चला. तो काम कर रही थी उसके बीच में आ गए थे सिलाई वाले. जो है ना कोई इंसान तो हमको है ना लाइफ में ऐसे परेशान करने के लिए ही पैदा हुआ है. मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ पता है कि इन्होंने पहले सिलाई थी तो आधा एक घंटा लगा दिया मुझे समझाने में. ये वो 8 दिन हुए तो फिर से आए. ऐसा नहीं ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है. तो मैंने ठीक है फिर आए. नहीं अब हमको नहीं सिलवाना, हमको वापस दो. तो फिर कितना सामान ढूंढने में, रखने में, समझने में कितना टाइम जाता है. खुद तो फ्री होते हैं तो दूसरों को ऐसे परेशान करने के लिए, टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं. ऐसे जब इंसान कोई आता है ना मेरे पास तो मुझे इतना वो होता है कि यार कैसे इंसान पड़ा है, दूसरे के टाइम खोटी करने के लिए आता है. और मेरा टाइम मुझे कितना कीमती है मुझे पता है, क्योंकि मेरा एक एक मिनट, 5-5 मिनट मेरे काम पर डिपेंड रहता है कि मैं कहाँ पर यूज़ कर रही हूँ टाइम और इससे कितना इफ़ेक्ट आता है. क्योंकि मुझे सिलाई करनी होती है तो 5 मिनट 10 मिनट का भी टाइम होता है तो मुझे बहुत ऐसे होता है कि नहीं जल्दी से ये काम कर लूँ, फिर सिलाई करूँ, फिर व्लॉगिंग का काम होता है, फिर एडिटिंग का काम होता है. ऊपर से हर टाइम पे हमको खाना, मुझे खाना भी बनाना होता है, हर एक चीज़ मैनेज करनी होती है तो कितना मुश्किल होता होगा. लेकिन ऐसा कोई भी नहीं समझता, कोई भी नहीं सोचता, बस उनको टाइम पास करना होता है तो ऐसे परेशान करने के लिए पहुँच आते हैं. और मुझे पता भी होता है कि उनको काम कुछ नहीं करवाना, बस टाइम पास करना है. एक बार देना है, फिर लेने आना है, फिर से देने आना है, फिर से लेने आना है. ऐसे ही मेरे साथ इन्होंने 2-3 बार ऐसे किया है. तो फिर आप ये सोचो कितना टाइम कीमती होता है. फिर ऐसे लोगों को हम कैसे मैनेज करें, मुझे समझ नहीं आता कुछ भी. तो अभी बज रहे हैं 12:30. 12:30 में 5 मिनट की कमी है. तो मैं सारे काम से फ्री अभी हुई हूँ, जस्ट मैं ना के आई. अब मुझे मार्केट में भी जाना था लेकिन अब तो 12:30 बज रहे हैं. फिर लंच टाइम, दोपहर का खाने का टाइम हो जाएगा तो दुकान भी बंद हो जाएंगे पहुँचते पहुँचते. तो मैंने सोचा कि अब शाम को जाऊँगी. कोई कोई लोग है ना ऐसे सिर्फ परेशान करने के लिए ही पैदा होते हैं, मुझे ऐसा लगता है. तो जस्ट मैं अब नहा के आई हूँ. अब पाल को सुखाऊँगी, उसके बाद खाना खाऊँगी और फिर सिलाई करने बैठ जाऊँगी, क्योंकि 2 ब्लाउज मुझे करके देने हैं कल तक. तो आज मुझे बहुत लेट हो गया, सुबह से ही बहुत लेट हो गया. नहीं तो मैं उठ के सीधा मैं पहले नहा धो के पूजा वूजा करके फिर किचन में घुसती हूँ. लेकिन आज मैं लेट हो गई थी इसकी वजह से नहा नहीं पाई सुबह सुबह. नहीं तो एक काम कम हो जाता है, टाइम लगता है ना बाल धो के फिर सुखाओ ये वो. और आजकल इजी टाइम चल रहा है कि अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रही. क्या बोल रहे हैं. तो चलो मैं ना थोड़ा सा बाल को सुखाऊँ, उसके बाद खाना खाऊँ, फिर आपको थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ.
अभी बज रहे छः और अभी ही मैं मार्केट से आई हूँ। बस सामान थोड़ा सा लेने गई थी, जो अस्तर दोरे वोरे चाहिए थे वो, तो बस सुबह से मतलब दोपहर से फ्री हुई, फिर सिलाई करने बैठ गई थी और फिर सारे कामों में लगी थी। फिर काम था तो बाहर चली गई, मतलब दुकान पे गई थी यहाँ पास में ही, और सामान चाहिए था लेकिन इधर मिला नहीं। तो अब मैं थोड़ा सा पानी पीती हूँ और आज सोच रही हूँ थोड़ी सी चाय बना के पी लूँ। वैसे तो नहीं पीती मैं चाय, आज मन कर रहा है पीने का चाय, लेकिन दूध नहीं है शायद, क्योंकि मैं चाय बनाती नहीं ना, तो मैं दूध रखती भी नहीं। बस आजकल ना भाग दौड़ वाली लाइफ हो गई है, मतलब सुबह उठो और ऐसे कामों में लग जाती हूँ कि फिर है ना टाइम भी नहीं मिलता। बस पानी पी लूँ एक गिलास, दूध तो है नहीं, तो दूध आएगा तब चाय बना के पियेंगे, बस थोड़ी देर में दूध हला आ ही जाएगा, तो चाय की जगह पानी पी के काम चलाती हूँ। हमारा दूध आ गया, तो यहाँ पे मैंने बनाने रख दिए चाय, वहाँ पे कर रही थी सिलाई और वो साड़ियाँ जो फॉल्ड करनी है, फॉल बीडिंग की है, तो अस्तर वस्त्र लेना था इसके लिए, सब निकाली थी। और यहाँ पे ये मैं ब्लाउज स्टिच कर रही हूँ, सिंपल है। और बज रहे हैं 7, तो मेरा दिन तो ऐसे निकल रहा है, दिन क्या नवरात्रि, मेरी नवरात्रि कुछ ऐसी निकल रही है कि नवरात्रि में मैं गई नहीं हूँ, बस घर पे ही यहाँ पे दिया लगा लेती हूँ, पूजा कर लेती हूँ, बाकी तो माता के दर्शन हुए ही नहीं है नवरात्रि में, तो गई नहीं। ऑलमोस्ट मेरी चाय बन गई है, तो आपकी नवरात्रि कैसी जा रही है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आप सबकी नवरात्रि कैसी जा रही है, आप नवरात्रि में जा रहे हो, खेल रहे हो या क्या, मुझे ज़रूर बताना कि नवरात्रि में कुछ स्पेशल कर रहे हो। अभी तो मैंने सोचा था कि कुछ स्पेशल करूँगी, रेडी होंगी, खेलूँगी, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पैरों में दर्द है उसकी वजह से मैं खेलने भी नहीं जा सकती, तो बस कामों में और इस सारी चीज़ों में ऐसे ही दिन निकल रहे हैं नवरात्रि के। आज देखते हैं, अगर अनिल बोलेंगे कि चलो चलते हैं घर पर देखने, तो जाएंगे तो जाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही पूरा दिन निकल जाएगा। और रात का खाना भी हमारा बना हुआ है, क्या बनाया था ये देखो, कल हलवा बनाया था तो दोपहर को खाया, यहाँ पे ही रख दिया, इतना बच्चा है तो आज फिनिश कर देंगे, और फ्रिज में रखा था इसके लिए, फिर अभी खाया था दोपहर को, तो फिर बाहर रख दिया था, तो खराब नहीं था। और दाल बनी थी सुबह, ये भी रेडी है, और चावल भी पड़े हैं, तो खाना तो आधा पड़ा है, आधा बनाना है बस। और इस ब्लॉग को भी एंड करती हूँ, आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, और एक प्यारी से कमेंट कर देना और मुझे बताना कि आपकी नवरात्रि कैसी जा रही है। तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, और चाय पीनी हो तो आ जाइए, चलो बाय।